बहुत अमेजिंग मूवी थी एकदम. विकी कौशल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, डरावनी भी है, स्टोरी भी है, अमेजिंग. संजू ही प्लेड, इट वॉज अमेजिंग. इवन दिस मूवी ही हैज़ परफॉर्म्ड अ फैंटास्टिक, प्लेड अ रोल वेरी ब्यूटिफुली. एंड मूवी में सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है. अभी स्टोरी बता नहीं सकता, बट टू गुड मूवी, मस्ट वॉच. बहुत मजा आया था मूवी में, तो एकदम फील हो रहा था कि रियल में, एक्चुअल में डर भी लग रहा था, बट ओवरऑल अमेजिंग मूवी. लाइक यू कैन से इट इज एन इंडियन कॉन्जूरिंग वर्जन. वेरी वेरी एक्साइटेड, आई वुड लव टू वॉच इट. वी हैव ऑलरेडी प्लान की जो भी भूत का आएगा पूरा हम लोग सब लोग साथ में ही देखेंगे. 5 out of 5. Okay, just like how was the movie? The Professor was the best, and the movie was really nice. It's very scary for those people who don't watch horror movies. I freaked out. Okay, what do you like to say about the performance of Vicky Kaushal? Amazing, fabulous. Loved it. Movie. Yeah. It was really nice. Okay, also what do you like to say about the sound effect they have used in VFX in the movie? It works really well. I think for an Indian horror movie, it's a good. Yeah. Okay, how excited are you for the second season, second part? Yeah, actually, there was a post-credit scene, so yeah, very excited because I don't know what happened there. Okay, 5 out of 5, how much you like it? 3.5. Yeah, the movie was nice. The sound effects were very nice. And everyone acted quite well. It was a nice movie. Okay, first time Vicky Kaushal explored the horror genre. So yeah. How was the performance? The performance was nice. His acting is very natural. So it suited the film, the story of the film. Okay, what do you like to say about the direction of the movie? Direction was good. I think the VFX could have been better. The sound was nice. Okay, how much are you excited for your second part? I think I'll get to know that once the trailer is out. Right now, I think I've had enough. Madam, say that. Okay, power up. How much? 3.5, I think. Thanks. Okay, just now, आपने भूत मूवी देखी तो कैसी लग रहा? बहुत अच्छी मूवी थी. विक्की कौशल ने अपना 100% दिया एंड सब लोग ने अपना रोल बहुत अच्छे से परफॉर्म किया. साउंड इफेक्ट और VFX की बात करें तो कितना अच्छा था, कितना डरावना था, कितना सक्सेसफुल? लाइक स्कैरी था, बहुत स्कैरी था, बट आई थिंक पार्ट टू में और भी ज़्यादा स्कैरी देखने मिली इससे. 4.5. ओके, जैसे आपने भूत मूवी देखी तो कैसी लगी आपको? भूत मूवी काफ़ी अच्छी थी, देखनी चाहिए, अलग जॉनर है, बॉलीवुड में कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, काम अच्छा है, टेक्निकल काम बहुत अच्छा है. आप परफॉर्मेंस विकी कौशल का बहुत अच्छा है, उसके लिए अगर आप उसके फ़ैन हो तो बिल्कुल देखनी चाहिए. हालांकि हम उसी के कॉलेज के, इसलिए हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आए हैं, और हमारे लिए बॉलीवुड में कुछ अच्छा था, नया ट्राई था. परफॉर्मेंस की बात करें तो विकी कौशल फर्स्ट टाइम जॉनर है, हॉरर जॉनर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कैसी लगी उनकी परफॉर्मेंस? बहुत ज़्यादा क्लासिक था, हम लोगों ने उसका मेकिंग वगैरह भी देखा था, जिस तरीके से कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी वो करता है, बहुत सही था, बहुत सटल लगा मुझे उसका परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा था. सारा खेल उसका इमेजिनेशन पे था, क्योंकि हॉरर मूवी थी, उसको सिर्फ इमेजिन ही करना था, तो उसने बहुत अप टू द मार्क, कंपेयर नहीं कर सकते अपन किसी के साथ. ओके, बैकग्राउंड साउंड VFX और साउंड इफेक्ट की बात करें तो वो कैसा था? बहुत अच्छा था, क्लासिक था इस बार, टेक्निकलिटीज बहुत स्ट्रांग थी मूवीज में. हाँ, टेक्निकलिटीज अच्छी थी. ओके, सेकंड पार्ट के लिए कितना एक्साइटेड है? सेकेंड पार्ट के लिए है, अच्छा खासा लगा है, तो सेकेंड पार्ट के लिए जरूर है. तो है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा ये नहीं किया, नहीं दिया. हाँ, बिल्कुल नहीं कि इसके ऊपर रहेगा, या फिर ये हो सकता है, या फिर विक्की कौशल ही रहेगा सेकेंड पार्ट में, ये उन्होंने बताया नहीं है. ओके, 5 out of 5 कितना चाहते हैं? 3.5, 4. थैंक यू. भूत मूवी देखी कैसी लगी आप लोगों को? भूत मूवी काफ़ी अच्छी थी, मतलब बॉलीवुड हॉरर काफ़ी अच्छा, हॉलीवुड से कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा था, मतलब इट वॉज वेरी नाइस मूवी. फर्स्ट ऑफ अ काइंड बॉलीवुड में आज तक ऐसी कोई मूवी बनी नहीं है, मतलब वेरी वेरी नाइस. काफी हॉरर सीन्स ऐसे थे कि मतलब हार्ट बीट थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, गूज़बम्स आ रहे थे, तो काफी अच्छी थी स्टोरी लाइन वगैरह भी, हॉरर सीन्स. जैसे अदर देन बॉलीवुड, जैसे बॉलीवुड में हर जगह गाने और ये सब होते हैं, वो इसमें मूवी में बिल्कुल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कभी इंडिया ले जाएंगे, कभी लंदन, इधर उधर, एक ही जगह पे पूरी मूवी खत्म हो जाएगी, और आप लोगों को फिर भी पूरा मन बना रहेगा. हॉन्टेड शिप उसी पे स्टिक रहे और उसी पे बेस्ड मूवी थी पूरी. विक्की कौशल फर्स्ट टाइम हॉरर जॉनर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कैसी लगी उनकी परफॉर्मेंस? अच्छा था विक्की कौशल यूरी के बाद से, ही इज इनटू कंप्लीट फॉर्म, मतलब
डिलीवर करना है तो डिलीवर करना ही है। काफी वर्सेटाइल एक्टर है, मतलब जो रोल करना उस रोल में घुस जाते हैं, एकदम फील आता है कि भाई हाँ असली में कुछ हो रहा है। तो विक्की कौशल हम तो डायट फैन है और ऑफ कोर्स वेरी नाइस, ही इज अ वेरी नेचुरल एक्टर, आपको लगेगा भी नहीं कि वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो पृथ्वी वही है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं बहुत ही अच्छा लगा, ये सी नितेश नवल है, बहुत ही अच्छा लगा सर, नो डाउट जाने लायक मूवी है सभी के लिए, मस्ट वॉच। साउंड इफेक्ट बहुत अच्छा है और वी एफ एक्स का इतना ज्यादा यूज नहीं है, बट बाकी साउंड इफेक्ट बहुत अच्छा है। सेकंड पार्ट नहीं, कंसीडरिंग पार्ट वन तो पार्ट वन ज्यादा अच्छा है पूरी मूवी के लिए। 4.5। बहुत अच्छी लगी मूवी, मूवी सही में बहुत अच्छी थी, बॉलीवुड के स्टैंडर्ड से तो बहुत ही अच्छी थी। द स्क्रिप्ट वॉज वेरी गुड, दे कम्प्लीटेड अ फुल सर्कल एंड लाइक इट वॉज गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन, गुड एक्टिंग फ्रॉम विक्की अगेन, लाइक ही वॉज एक्सेप्शनल। जस्ट फ्यू लाइक थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, लाइक द एनिमेशन एंड लाइक द पोस्ट प्रोडक्शन स्टफ, एंड अदरवाइज तो वेरी गुड मूवी। I was really surprised that, you know, Vicky Kaushal took up such a genre of movies. But, I mean, he did a very good job and he was amazing. Like, actually, I wasn't surprised because I saw him in Uri and like, you know, all those, this thrilling genre and all those are same. So I knew he could pull it off, but like what he did was exceptionally good. And we expect that from Vicky Kaushal, you know, he's very good. What about She didn't have that much of a part in the movie, but whatever it was very good. Yeah, she did an amazing job. Yeah, she did a good job. I think all the acting part, like even the supporting actors were very good. But the only thing was that they could have done better with the editing and stuff. You know, we like can't expect to like, but for a Bollywood movie, they went up a notch. Definitely. What would you like to say about the background scope and the impact they have given in the movie? No, that is what I said. Ki they could have done better with the editing and the background sound, and could have been better. The background score could have been better. But it could have been better. Like what we expect from Hollywood movies, it was not as good, but it could have been better. Like there were like lot of parts in the movie in which the scene could have been like much better with good background audio. The script was really good. But you know, most of the parts the audience end up laughing also. Laughing, yeah. I think it was partly because of the audio, but But I think it was really good, good experience. It was still very good. The script was exceptional. Okay, how much you are excited for the second part? Yeah, we were surprised that was the second part. Yeah, but I think it will be good again if Vicky is there or any other actor. If the script is good, like all, half the part is about the script. Script and audio for a horror movie. Thing that is good, then it's obviously it will be a good movie. Yeah. How much star you like to be after 5? 3.5, 4. 4. Thanks. Thank you so much.